हाय, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे सादा पैजामा बच्चों के लिए। इसकी लंबाई लेंगे हम 18 इंच, चौड़ाई लेंगे 9 इंच, हिप लेंगे 8 इंच, मोरी लेंगे 6 इंच। चलिए ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले एक लंबा लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई 18 इंच होगा, उसके सेंटीमीटर में लेंगे 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई लेंगे 9 सेंटीमीटर। पहले एक डिब्बा बना लेते हैं। किनारे से 1.5 इंच लेंगे, जो हमेशा 1.5 इंच लेते हैं। 8 इंच है, तो इंच में सेंटीमीटर में लेंगे 8 सेंटीमीटर। आधा इंच गोलाई के लिए लेंगे, गोल कर देते हैं। मोहरी हम 6 इंच लेंगे, इसको सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दोनों को मिला लेते हैं। चलिए मैं लिख के बताती हूँ आपको। लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, 1.5 इंच काटने के लिए लेंगे, हिप 8 सेंटीमीटर, मोहरी 6 सेंटीमीटर, दो इंच इलास्टिक ले लेंगे। ऐसे हमारे पास ड्राइंग तैयार है। कपड़ा बिछा ले लिए हैं, बंद भाग हमारी तरफ, खुला भाग उधर की ओर। लंबाई हम 18 है, लेकिन 1 इंच ज़्यादा ली हूँ मैं मोड़ने के लिए। बाजू में चौड़ाई आपका है 9 इंच, 1.5 इंच में निशान लगा के नीचे 8 इंच में निशान लगाएंगे हिप के लिए। आधा इंच गोलाई के लिए हल्के हाथों से गोलाई कर देंगे। आपको कलर नहीं दिख रहा होगा शायद, मोहरी लेंगे हम 6 इंच, दोनों को मिलाते हुए और ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग वाला भाग हम निकाल देंगे। बस हमें इतना ही कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग तैयार है, चलो सिलाई करते हैं। पहले हम मोहरी मोड़ेंगे 1 इंच में। ये दोनों भाग हम मोड़ लिए हैं। अब दोनों भाग को हम जोड़ लेंगे, सिलाई वाला भाग। दोनों तरफ का सिलाई हम कर लिए हैं। दोनों मोहरी को लेकर जोड़ लेंगे। अब इलास्टिक लगा लेते हैं हम।
इलास्टिक लगा लेते हैं हम। इलास्टिक लग चुकी है, थोड़ा सा वीडियो नहीं आया, पलट देते हैं। देखिए हमारा सादा पैजामा बच्चों के लिए तैयार है। ये पैजामा बन के तैयार हो गई है। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।